अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपका होस्ट मोहम्मद खलील AWNSK का चैनल वाला मोहम्मद खलील आपके खिदमत में फिर दोबारा से हाजिर है। आज की टॉपिक है हमारा, किसी भी फोल्डर को हम अपने कंप्यूटर में कहीं पर भी इसको छुपा सकते हैं, यानी कि लॉक कर सकते हैं। इस फोल्डर को कोई भी आपसे आपका फोल्डर को नहीं देख पाता, क्योंकि आपके कुछ खास पिक्चर होते हैं, खास वीडियोस होती हैं जिनको आप छुपाना चाहते हैं कंप्यूटर में। तो इसी वीडियोस के साथ मैं आपको लेकर आया हूँ। ये बहुत ही टफ है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। तो आपके लिए पहले मैं अर्ज करता हूँ शेर, ना दौलत से ना दुनिया से, ना दौलत से ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। ना दौलत से ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। तो चलते हैं हम अपनी वीडियोस की तरफ। तो पहला स्टेप आपने ये करना है कि ये डेस्कटॉप आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीन यानी कि लैपटॉप की, तो इससे नीचे यहाँ पर राइट डाउन पर यहाँ पर राइट करना है और प्रॉपर्टी में अपनी में चले जाना है। तो प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपने यहाँ से रन कमांड अपनी यूज करनी है। ये रन कमांड को आपने ऑनलाइन ओपन ही कर देना है। तो यहाँ से हम जस्ट इसमें जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू में, स्टार्ट मेन्यू में और कस्टम में चले जाएंगे। कस्टम से में जाने के बाद यहाँ से हम नीचे जाना है और रन कमांड को ओपन करना है। जैसे कि रन कमांड ये देख रहे हैं, आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है और अप्लाई ओके कर देनी है। तो इसके साथ ही रन कमांड ऑनलाइन हो चुकी है। तो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं इस पर। तो रन कमांड को यूं ही आप खोलेंगे तो इस पर जस्ट आपने कुछ नहीं टाइप करना, जैसे कि हमारे पास कौन सा फोल्डर है जिस फोल्डर को हम हैक करने वाले हैं, इस फोल्डर को कोई भी नहीं यहाँ से निकाल पाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर व्हाट्सएप का फोल्डर, वीडियो का फोल्डर हम हैक करेंगे, तो आप देखते हैं VIDEO वीडियो, वीडियो को हैक करने वाले हैं। तो साथ रहिए मेरे इस वीडियो के एंड तक, आप स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने के बाद आप कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई, तो जस्ट मैं आपको सिर्फ 5 मिनट की ये वीडियोस, 5 से 6 मिनट की वीडियोस होगी, इसके ज्यादा ये वीडियोस नहीं करो। तो जैसे ही मैंने रन कमांड ओपन की, तो यहाँ पर आपने टाइप करना है अट्रैब, यानी कि ATTRIB अट्रैब, ठीक हो गया। तो इसके साथ ही आपने स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद आपने प्लस का निशान देना है, जो भी आपका प्लस का निशान होगा वो आपने देना है। यहाँ पर शिफ्ट नपकर मैं तो प्लस का निशान दे रहा हूँ, तो शिफ्ट के बाद फिर स्पेस नहीं देना, छोटा एच वाला, और साथ ही स्पेस देकर एच प्लस एच साथ ही लिखना है, और इसके बाद हमने स्पेस देनी है, और स्पेस देने के बाद फिर हमने प्लस ही लिखना है। लिखने के बाद हमने एस प्लस के साथ एस लिखना है, और एस लिखने के बाद हमने यहाँ पर स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद बड़ा डी लिखना है, और बड़े डी के साथ ही हमने यहाँ पर दो कामे लगाने हैं, जो कर यहाँ पर कामे मिलने बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेरे कीबोर्ड की टेक्निक बहुत भी किस्म की है, तो इसलिए मुझे थोड़ी परेशानी। ये दो कामे जो उनसे आप डॉट कहते हैं, ये दो डॉट अपने ऐसे लगाने हैं, कोई और डॉट नहीं लगाने, ये दो डॉट लगाने हैं। गौर से देख लीजिएगा, इस डॉट के सिवाय और डॉट लगाएंगे तो आपका ये कंप्यूटर उसको एक्सपेक्ट नहीं करेगा। तो दूसरा हमने ये यहाँ पर दूसरी लाइंस बनानी है, इसके साथ ही एक लाइन होती है, जैसे कि ये लाइन दिख रही है ना, यही लाइन हमने दूसरी राइट क्लिक करनी है, जैसे कि हमारे पास कहां पर होगी ये, यहां पर भी नहीं है यार, किधर गई, हम चलो इसको ही यूज करते हैं, भला इससे कुछ होता है कि नहीं। जे इससे भी होता है तो हम
इसको ही यहाँ पर यूज करेंगे। तो वीडियोस द VIDEO था वीडियो, उसको हैक करने वाले हैं। तो यहाँ पर जस्ट जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ से वो ऑटोमेटिक चला गया, यानी कि हम जस्ट हमारी वो क्लिक हो चुका है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कोई स्क्रीन पर कोई फोल्डर आपको वीडियोस का नजर आ रहा है, मैं कहीं भी नहीं गया और सिर्फ वहां पर मैंने वीडियोस लिखा था। तो जस्ट ये वीडियोस लिखने के बाद यहाँ से मेरा फोल्डर गायब हो चुका था। इस फोल्डर को दोबारा वापस लाने के लिए हम चलते हैं फिर रन कमांड पर। तो यहाँ पर टाइप नहीं करना पड़ता, यहाँ पर ये शो किया हुआ है, तो यहाँ पर ही हमने जस्ट आपने कुछ नहीं करना, जैसे ये लिखा हुआ है कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ एस के पीछे सिर्फ माइनस प्लस की जगह पर माइनस आपने करते जाना है, और माइनस करने के बाद जस्ट आपने ओके पर क्लिक करनी है। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर आपके प्रॉपर्टी में आ चुका होगा। ये देख सकते हैं आपके सबूत के साथ ये वीडियोस, जैसे कि आप फोल्डर को कोई भी आपके फोल्डर को नहीं चेक कर पाएगा, ये आपके खास वीडियोस आपके खास पिक्चर्स को ये सेव कर कर रखेगा। यहाँ पर और भी बहुत सी इंडस्ट्री है, और जैसे कि हम क्लीन इसमें वायरस हम इंटरनेट चलाते हैं, जैसे कि इंटरनेट चलाते हैं तो कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो उनसे एरर और प्रॉपर्टी में हमारी में आ जाती हैं, विंडोज में आ जाती हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको एक सोल्यूशन देने जा रहा हूँ, ये भी बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं, तो यहाँ पर टेम्प लिखना है, सिर्फ TEMP टेम्प, टेम्प लिखते ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन देगा हमें, जैसे कि देता है ये जो सी वो फाइल है जो सी दरकार है और जो सी हमारे कंप्यूटर को हैक करती रहती है, यानी कि उसको स्लो करती रहती है, उसकी प्रोफेशनली यानी कि चलती हुई मशीन को खराब करती रहती है। तो यहाँ से ऑल क्लिक करूंगा मैं, कंट्रोल ऐसे ऑल क्लिक करते ही मैं इसको डिलीट के बटन पर क्लिक करूंगा और एंटर कर दूंगा। यहाँ जितनी फाइल्स होंगी ना चलने वाली, यानी कि जो सी वायरस होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होने के बाद यहाँ पर सिर्फ एंटीवायरस यूज कर रहा हूँ तो वो इसमें रहेगा। तो दूसरा भी एक और है, अभी ये तो सिर्फ मैंने वो बताया जो उनसे हमने आमतौर पर थोड़ा बहुत इसमें आता है, और दूसरा प्रोफेशनली जो सा इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है या कोई हम वीडियो डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ एक एरर फाइल लाजमी डाउनलोड होती है। तो मैं उसको यहाँ पर शिफ्ट नपना है, और शिफ्ट के ना साथ ही 5 के नीचे फीसद आला जो सा बटन है ना, 5 आला फीसद आला, इसको नप क्लिक करना है तो फीसद आ जाएगा। फीसद के आगे अपने यही लफ्ज लिखना है टेम्पली, टेम्पली लिखने के बाद फिर फीसद को आपने क्लिक करना है और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ये देख सकते हैं आपके सामने ये कुछ फाइलें हैं जो उनसी बेकार हैं, जो उनसे आपके कंप्यूटर को हैक करती हैं और खराब करती रहती हैं। तो जस्ट आपने इन पे ऑल क्लिक करना है, कंट्रोल ए से ऑल क्लिक करने के बाद डिलीट कर देना है, इनको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने का यह फायदा होगा, इससे कंप्यूटर की आपकी जो उनसी रेटिंग वो तेज होती है, इससे कुछ खराब नहीं होगा, आपका परेशान मत होइएगा। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जो था नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पर हम जैसे कि हम किसी भी फाइल को हम डिलीट करते हैं तो वो फाइल डिलीट नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास शो कर रहा है फ्री 9.10 MB जो का शीघ्र शो कर रहा होता है। तो इसके साथ ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ इंडस्ट्री कल, जैसे कि यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी पर आए और अपने पार्टीशन पर आए, पार्टीशन पर प्रॉपर्टी में चले जाते हैं हम, जैसे प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये प्रॉपर्टी अपनी शो कराएगा कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है और कितनी आपने यूज करनी है, कितनी रह रही है आपके पास। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आपको ये फ्री है जो सी फ्री स्पेस, यानी कि 9.10 GB जो सी फ्री है, और यूज स्पेस जो सी हमने 63.6 किया, और 72.7 मेरे पे GP है जो सी मेरी वो थी। तो इससे हम यहाँ से डिस क्लेम क्लेम्प करेंगे इसको, यानी कि डिस क्लेम क्लेम करने के बाद हमारे पास जितने भी फाइल होंगी, जैसे कि ये हमारे
मैंने डिलीट की हुई है इसमें से, लेकिन यह खत्म नहीं हुई। इसको हम दोबारा रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ से क्लिक करना है और जस्ट सिर्फ ओके पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर डिलीट फाइल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर फाइल को डिलीट करते ही ये फाइल जितनी मैंने 3.3 GB की जो सी फाइल मैंने डिलीट की थी, वही मेरी GPF फ्री हो जाएगी। यहाँ पर मेरी पॉइंट 12.4 GB हो गई है, ये आपके सामने देख सकते हैं, जो कर मैंने डिलीट करते ही आ गई। और ये टूल्स को भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि चेक नहीं हुआ है, हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर ऑटो सिस्टम एरर आएंगे। यहाँ पर सिर्फ ये शो कराएगा, इसको डिलीट नहीं करेगा, यहाँ पर स्कैन नहीं करेगा, ये जो सा ऑप्शन है ये स्कैन कर देगा, इसको आपको सामने शो नहीं करेगा। तो जस्ट हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जितना भी एरर इसमें आ रहा होगा ना, उसको कंप्लीटली कैंसिल कर देगा। तो आपने परेशान मत होने का कि ये कितनी देर लगाएगा कि बिल्ड होगा, मैंने इसलिए ये पार्टीशन आपको शो कराई है कि इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन इसमें जितना भी वायरस एरर जितना भी होगा वो इसको खत्म कर देगा। ये इसका ये फायदा होता है। तो इसके साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद भी आई होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए तैयार करूंगा और लेकर आऊंगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट मोहम्मद खलील, और वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों से। अल्लाह निगहबान।